ह्यूमन राइट जो होता है उसको छीनने का काम किया गया पूरा। मतलब यहाँ का संस्थान इतने इस स्तर पे आ जाएगा ये हमें उम्मीद नहीं। और एक महिला जो वॉशरूम के जाती है और एक प्रोफेसर भी है साथ साथ महिला के साथ, ऊपर दलित भी है, वॉशरूम जाती है उनके साथ बदसलूकी होती है, उनको हरेस किया जाता है, उनको इतना आज इतना हरेस किया गया कि उनको रोने पे मजबूर कर दिया गया। देखो यहाँ की महिलाओं को और दलितों को पहले मेंटली हरेस करते हैं ये लोग, अब तो इतना आती हो गया कि एक व्यक्ति को तुम सुसाइड करने मजबूर कर रहे हो। यहाँ आए हुए दलित लोगों को सताना, उनको मारना, एक महिला को साथ पूरी तरीके प्लानिंग के साथ उनको हरेस करना, ये साफ साफ बताता है वाइस चांसलर का क्या प्लान है कि आप लोग जब जब ये सारी चीज़ें करोगे हम तब तक आपके सीने पर खड़े होकर बोलेंगे। तुम एंटी दलित तो थे लेकिन अब इतना गुजर चुके एंटी वुमेन हो गए। सीधा जो सविता रोय जो बैठी है इतना जातिगत एक महिला को नहीं समझ पाए, महिला के विरुद्ध ये सारी चीज़ें की उसने, हम तो जाति के मामले बात में आएंगे, पहले एंटी वुमेन तुम हो रहे हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं डीयू के आर्ट फैकल्टी के बाहर जहां पर डॉक्टर ऋतु का धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक सम्मानित प्रोफेसर जो पिछले 16 दिनों से अपना प्रदर्शन दे रहा है, हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपनी बात रखने के लिए जो है प्रदर्शन दे रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और आज 16वां दिन है और आज जो है अति कर दी गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आशुतोष भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, जाति सूचक शब्द कहे गए, मारपीट जैसी सिचुएशन बनाई थी? देखो ये सब होना इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ, ये कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक धप्पा है कि एक ऐसे जाने माने संस्थान में कोई प्रोफेसर रहा हो और उसके खिलाफ अत्याचार हो और अपने अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा हो। इसका मतलब जो इस क्लासेस में हम पढ़ते हैं उनके जस्ट विरोध ही सारी बातें हो रही हैं कि एक महिला जो वॉशरूम के जाती हैं और एक प्रोफेसर भी हैं साथ साथ महिला के साथ साथ, ऊपर दलित भी हैं, वॉशरूम जाती हैं उनके साथ बदसलूकी होती है, उनको हरेस्ट किया जाता है। यहाँ के गार्ड सीधे सीधा बोले प्लान था ये पूरा कि हमारे मूवमेंट को, यहाँ आए हुए दलित लोगों को सताना, उनको मारना, एक महिला को साथ पूरी तरीके प्लानिंग के साथ उनको हरेस्ट करना, ये साफ साफ बताता वाइस चांसलर का क्या प्लान है। हम यहाँ के बताए, हम बोलेंगे कि बार बार कि आप लोग जब जब ये सारी चीज़ें करोगे हम तब तक आपके सीने पर खड़े होकर बोलेंगे। आज ये सब हुआ इसलिए बोलना चाहते हैं सारे लोगों के, आप आइए, स्टूडेंट भी यूनाइट होइए। जो एंटी यूनिवर्सिटी विचारधारा इस यूनिवर्सिटी में पनप रही है, एंटी एजुकेशन विचारधारा जो इस यूनिवर्सिटी में पनप रही है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। हमने देखा वहाँ पर घंटों तक डॉक्टर ऋतु दरवाजे पर खड़ी रही, जिस वॉशरूम में वो लोग जाते थे उसका पानी बंद कर दिया गया, उसके बाद दूसरे वॉशरूम में गई तो पहले तो उन्हें कई सारी गालियां और कई सारे अपशब्द कहे गए, उसके बाद दरवाज़ा हर तरफ से बंद कर दिया गया, कोई वॉशरूम के लिए कहाँ जाएगा? यही देखिए आप, ये बात तो है। दूसरी, पिछले 4 दिन से आर्ट्स फैकल्टी ये जो पीछे है यहाँ के सारा पानी बंद कर दिया गया। अब हमने ऑल्टरनेटिव उठा कि हम उधर जाएंगे। अब लगातार 16वां दिन है आज, जब धरने पर बैठे तो वॉशरूम जाना ये तो ह्यूमन राइट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन राइट्स में आता है ना, जैसे पानी पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, तो वॉशरूम जाना भी जरूरी है ना इंसान के लिए, प्राकृतिक चीज़ है, तो नेचर के मतलब नेचुरल एक ह्यूमन राइट जो होता है उसको छीनने का काम किया गया पूरा। मतलब यहाँ का संस्थान इतने इस स्तर पे आ जाएगा ये हमें उम्मीद नहीं थी। वीसी तक को फोन किया गया, घंटों खड़ी रही, कहती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कुछ नहीं। आप तो देख ही रहे थे ना, हम तो भीड़ जमा हो गई थी, मैं तो मीटिंग से, हम जैसे आए जैसे सुना कि तुम एक वाइस चांसलर होने के बावजूद एक ऐसी यूनिवर्सिटी के जिस यूनिवर्सिटी तमाम लाखों इंटेलेक्चुअल निकलते हैं, लाखों इंजीनियर ब्लॉयर्स निकलते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं हर साल, 2 लाख बच्चे से यहाँ पढ़ते हैं, तुम उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के बाद ये हरकत करोगे? ये शर्म की बात है इस यूनिवर्सिटी पे और ऐसे वाइस चांसलर होने पर। एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मानसिक प्रताड़ना और वॉशरूम जाने देने से रोक देना एक फिजिकल प्रताड़ना भी है। एग्जैक्टली, देखो मेंटल हरेसमेंट, मैंने हरेसमेंट पहले बोलता, मेंटल और फिजिकल बहुत हरेसमेंट। देखो यहाँ की महिलाओं को और दलितों को पहले मेंटली हरेस करते हैं ये लोग, अब तो इतना अति हो गया कि एक व्यक्ति को तुम सुसाइड करने मजबूर कर रहे हो। मतलब अब डॉक्टर ऋतु लड़ने वाली महिला है तभी हम उनके साथ खड़े हैं आज, कि आज कंधे से कंधा मिलाकर एक मूवमेंट छिड़ा है। यहाँ पर लाखों ऐसे लोग लगातार मर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल सुसाइड हो रहा है, 2 IIT में मर रहे हैं अभी पिछले दिनों, एक अभी, एक 6 महीने पहले। इसका मतलब तुम आज तब आंखें खोल देंगी जब वो व्यक्ति एक मर जाएगा, अपनी जान ले लेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम उसको प्रेरित कर रहे हो कि जाओ मर जाओ। डॉक्टर ऋतु वो महिला जो समाज के लिए लड़ती है, उनके हक अधिकार के लिए लड़ती है, एकदम सशक्त मजबूत महिला, आज उनकी आंखों में आंसू थे। मतलब ऐसे व्यक्ति की आंखों में आंसू हो जाना, समझ रहे हो मतलब किस स्तर तक उस व्यक्ति को अंदर से हिला देना, यह हमको समझना होगा।
कि क्योंकि वो जो मूवमेंट शुरू करते हैं ना वो व्यक्ति बहुत कम रोते हैं, उनको इतना इतना आज इतना हरेस किया गया कि उनको रोने पर मजबूर कर दिया गया, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? इसका जिम्मा या तो सिर्फ यहाँ की भारत सरकार लेगी, यहाँ का वाइस चांसलर लेगा, सीधा जो सविता रॉय जो बैठी है, इतना जातिगत, एक एक महिला को नहीं समझ पाए, महिला के विरुद्ध ये सारी चीज़ें की उसने। हम तो जाति के मामले बात में आएंगे, पहले एंटी वुमेन तुम हो रहे हो। इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या रही है हमको पता है, लेकिन आज जब एक संविधान की वजह से महिला लोग सब कुछ कर पा रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, जर्नलिस्ट बन रहे हैं, हर प्रोफेसर में जा रहे हैं, एक्ट्रेस बन रहे हैं, तो तुम उनको रोकने की पूरी साजिश कर रहे हो महिला होने के बावजूद भी। सविता रॉय कहाँ से ड्राइव हो रही है? पूरी संघ से ड्राइव हो रही है, वाइस चांसलर इस सरकार से ड्राइव हो रही है, कि तुम्हारे अंदर ये मानसिकता आग कहाँ से रही है? तुम एंटी दलित तो थे, लेकिन अब इतना गुजर चुके एंटी वुमेन हो गए, वुमेन के खिलाफ जो चीज़ें हो रही तुम उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे और ज़्यादा कर रहे हो। उसको वॉशरूम जाने से रोका जा रहा है, उसको यहाँ उसको जब बारिश होती है उसको तिरपाल लगाने से रोका जाता है, क्या क्या चीज़ें हो रही है? राइट टू प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम लोग करेंगे, लड़ेंगे। आप लोग जितना दम हो लगा लीजिए, पुलिस फोर्स जितना हो लगा लीजिए, हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग लगे रहेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। 16 दिन है, कुछ दिन बाद 100 दिन भी हो जाएंगे, दो एक साल हो जाएगा, लेकिन हम डटे रहेंगे जब हमको न्याय नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि ये प्रदर्शन जो है इसको हटाने की एक साजिश की गई हो इस तरीके से? बिल्कुल हो नहीं सकता है, मैं 100% श्योर कह देता हूँ, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, यहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, हमको ABP के लोगों से पिटवाया गया बहुत बार। तो सत्यवती मेरे कॉलेज जहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उस कॉलेज का जब फीस हाइक कर प्रोटेस्ट चला, हम 6 दिन बंद किया, 7वें दिन ABP गुंडों का प्रिंसिपल बुलाया, घर पर मीटिंग कराई, हम पे अटक कराए, हमारे लोगों के सर फूटे, मेरे यहाँ हाथ पे बहुत चोट आई ईट में। तो ये सारी चीज़ें आंदोलन में होती हैं, जब संघ ये सारी चीज़ें करता है, यहाँ का प्रिंसिपल, यहाँ का एडमिशन वो सारी चीज़ें करता है, बार बार हम लोगों पे अटैक कराना ABP द्वारा या और गुंडे, बाहर के गुंडे, ABP के किराए के गुंडे होते हैं सारे लोग, तो उन लोगों से पूरी एक साजिश है, उस मैडम पे अटैक कराना, हम लोगों पे अटैक कराना, ये अटैक ऋतु मैडम पे नहीं है, आंदोलन पे अटैक है, और आंदोलन पे अटैक हम सहेंगे नहीं, किसी भी दलित पर अटैक नहीं सहेंगे, किसी वुमेन पर अधिकार अटैक नहीं सहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बाद, जिस तरीके से शर्मसार कर देने वाली ये जो घटना आज की हुई है, उसके बाद जो है वाइस चांसलर की चुप्पी के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद वाइस चांसलर को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, हम मांग करते हैं पहले तो सविता रॉय को टर्मिनेट किया जाए, उसके बाद वाइस चांसलर को चुपचाप यहाँ से निकल देना चाहिए, चुपचाप उसको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। हम बार बार मांग करेंगे वाइस चांसलर अपना इस्तीफा दे दे इसको, और सविता रॉय को अरेस्ट करवाओ हर हालत में। आप पर जो है अलग अलग तरीके से अटैक होने शुरू हो चुके हैं, अब आपके प्रदर्शन का असर दिख रहा है, देखो तो अब आपका अगला कदम क्या हो सकता है? देखो जब जब लगे कि अटैक हो रहा है तो उसका मतलब हमारा है, हम में दम है, हम लोग उस प्रदर्शन में आगे बढ़े, हमारा अगला वही है कि हम शांतिपूर्वक बैठेंगे, अपना संघर्ष जारी रखेंगे, ये लोग शांति से मानेंगे, वरना हमारे पास दूसरे रास्ते हम करेंगे। दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं? वॉशरूम जाने से रोक दिया, exactly. क्या करेंगे आप? ये देखिए, हम लोग यहाँ पर याद है फॉरन मूवमेंट, यहाँ पर हम वॉशरूम बनाएंगे, यहाँ हम अपने सारे संसाधन लाएंगे और हम करके दिखाएंगे इस ड्यू की धरती पर जीत हासिल करके चाहिए। एकदम आज पूरी सिटी के मैं बार बार कहता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों से और तमाम उन लोगों को कि हम लोग हार मानने वाले बिल्कुल नहीं, कभी अगर ये मूवमेंट खत्म होगा तो जीत के बाद होगा, वरना ये मूवमेंट चलता रहेगा। तो आपने सुना किस तरीके से जो है ये शांति प्रिय प्रदर्शन था, शांति प्रिय चल रहा है, संवैधानिक तरीके से चल रहा है, एक सम्मानित प्रोफेसर के द्वारा ये चलाया जा रहा है। अब जो है बौखलाहट इतनी मची है कि वॉशरूम जाने से रोक दिया गया है, जिस वॉशरूम का इस्तेमाल करते थे वहाँ पानी रोक दिया गया, दूसरे जगह जाने की कोशिश की तो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। किस तरीके की अमानवीय घटना जो है ये निकल कर सामने आया है, आप इस पर ज़रूर सोचिए और पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी की रेंज जनहित आवाज़।